स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं साउथर्न कमांड में निकली हुई चौकीदार की भर्ती और बार बार की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। आप सभी इसमें अपनी जो योग्यता है उसके हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं बार बार या चौकीदार के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसकी अगर बात करें बार बार की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 हैं, और चौकीदार की बात करें तो 43 यानी 43 यहाँ पर चौकीदार की पोस्ट निकली हुई है। बार बार की बात करें तो जनरल में यहाँ पर 7 पोस्ट हैं, SC में 2 हैं और OBC में 3 हैं। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन कोटा है, उसमें 2 पोस्ट निकली हुई है। इसके अलावा चौकीदार की बात करें तो 43 पोस्टों का डिवीजन में जनरल की 19 है, SC की 5 है, 9 OBC की है, 10 EWS की पोस्ट है। यहाँ पर EWS की पोस्टों को फायदा मिल सकता है, 10 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन की 5 है। इसके बाद अगर बात करें PH कैंडिडेट की, तो चौकीदार में PH कैंडिडेट के लिए भी हैं, विजुअल हैंडीकैप और जो हड्डी से आबादित वाले हैं वो उनके लिए भी है। और इस तरीके से यहाँ पर 3 पोस्ट निकली हुई है। अगर बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात ये रहेगी कि एज लिमिट यहाँ पर 18 से 25 बोली गई है एज लिमिट। ठीक है दोस्तों, 18 से 25 वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन कम रहेगा। जनरल वाले कैंडिडेट 18 से 25 वाले ही भर सकते हैं, और अगर जो SC ST वाले हैं तो उनको 5 साल का एज रिलेशन मिल जाएगा, और OBC की बात करें तो OBC में उनको 3 साल का एज रिलेशन मिल जाएगा, 28 तक का, और 30 साल 30 तक का ST SC के लिए। जी हाँ दोस्तों, और बात करें हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो 10th पास यहाँ पर मांगा गया है और 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया बार बार ट्रेड में। जी हाँ, डिजराइबल है, ज़रूरी नहीं है कि आपका हो। ठीक है, बार बार यानी आप समझते हैं जो नहीं होते हैं वो, और वो आराम से आपके पास होएगा ही होगा, इसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। ठीक है, तो आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। और यहाँ से बात करें चौकीदार के लिए, चौकीदार के लिए भी मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास मांगा गया है, और जो कन्वर्सेंट विद द वन द ड्यूटी ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, बस एक्सपीरियंस भर लिखा गया, डिजराइवल में लिखा हुआ, वांच नेम लिखा हुआ है। तो ये भी आप नहीं भी हो तो आप भर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको करना क्या होगा, और हाँ, यहाँ पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, तो पोस्टिंग के बारे में स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख दिया गया है कि जो पोस्टिंग होगी वो साउथर्न कमांड में मिलने वाली। द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन AMC यूनिट। AMC यूनिट के अंदर कहीं पर भी जो हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड है वहाँ पर ही आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलने वाली है। पोस्टिंग के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दिखी हुई है। इसके अलावा ये बता दें कि जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको जो फॉर्म है जो नीचे दिया है इसको कैसे पहुँचाना है, तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँचाना है। और लगने वाले फीस की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये लगेगी पास मात्र आपकी। 100 रुपये आपको क्या करना है, जो पोस्टल ऑर्डर आता है, पोस्ट ऑफिस से मिलता है पोस्टल ऑर्डर, आप वहाँ पर जाएंगे तो कैंडिडेट आल, यहाँ पर बी नंबर ये वाला पॉइंट पड़ी है कि आल कैंडिडेट मस्ट बी इनक्लोज सेल्फ एड्रेस एनवलप, यानी स्वलिखित पे जो पता हो, स्वलिखित एक लिफाफा आता है उसको आपको उस पर आपको लिखना है स्वलिखित लिफाफा अपने पते वाला। और फी इन द फॉर्म ऑफ पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये के, 100 रुपये का फॉर्म पोस्टल ऑर्डर आपको लेना है, वो जो कि एक कटा हुआ एक पर्चा जैसा आता है उस पर अपना नाम वगैरह लिखना है उस पर, है ना। और उसको कहाँ पहुँचाना है, कमांडिंग किसकी फेवर में पहुँचाना है, ये है कमांडिंग ऑफिसर 4010 फील्ड हॉस्पिटल में, इस नाम से आपको इस फेवर पे बनाना है, ये वाला कमांडिंग ऑफिसर 4010 फील्ड ऑफिसर, और 2 रिसेंट साइट पासपोर्ट साइज फोटो है ना, अलग से एडिशनल एफिक्स करना है, यानी कि अटेस्ट आपके फॉर्म में लगाएंगे 2 अलग से चिपका के देना है स्टेपलर करके। फीस विल बी एक्सपेंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविजन, जो भी जिनके पास एक्सेप्शन मतलब ये ST SC वाले होते हैं उनकी कोई फीस उसमें लगने नहीं वाली है। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद यदि हम बात करें कि इसमें एडवर्टाइजमेंट की बात करें, तो ये एडवर्टाइजमेंट पोस्टल ऑर्डर शुड बी इशूड आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी पोस्टल ऑर्डर पुराना नहीं होना चाहिए आपका, ये डेट जो अभी पब्लिश हुआ है इसके डेट की बात का ही होना चाहिए, पुराना डेट पोस्टल ऑर्डर नहीं लेना, तुरंत खरीद कर लगाना, ये बोला है। नॉन रिफंडेबल फीस होगी। और यहाँ पर बता दें कि लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में और आर्मी वेलफेयर और ये फीस उसमें ही जाएगी। ठीक है, तो ये हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि क्या क्या आपको लगाना है, तो सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट 10th लगा सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना है आपको। ठीक है, और कोई भी अगर एक्स सर्विस मैन है तो उसको अपनी जो डिस्चार्ज की बुक लगानी पड़ेगी नेशनल। इसके अलावा ये कॉपी ये जानकारी जो है इसमें, तो दोस्तों जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें आप 10th लगा सकते हैं, कोई भी एक लगाना है, यहाँ पर मैंने देख लिया 1 फॉलोइंग डॉक्यूमेंट में से कोई एक लगाना है, और डोमिसाइल के रूप में बस 10th मार्कशीट लगा सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह दे सकते हैं, नेशनलिटी के बारे में यहाँ पर इसलिए डॉक्यूमेंट में बोला है आप देना पड़ेगा आपको, है ना, आधार कार्ड भी। ईच एप्लीकेंट मस्ट हैव सेपरेट पोस्ट के लिए आपको सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन देना पड़ेगा सेपरेट पोस्ट के लिए। और साथ ही साथ ये जो एप्लीकेशन है वो किस पते पर जाएगा, तो इसकी बात करें तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फॉर द रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट, और ये जो होगा वो आपको प्रेसिडिंग ऑफिसर BOO1 हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड CO
4012 फील्ड हॉस्पिटल CYO 56 APO, ये पिन आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पता है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। इस पर आपको पहुँचाना है, ये आपको लिफाफे में भर के जो एप्लीकेशन फॉर्म जो नीचे दिख रहा है उसमें आपको रखना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है और इसमें क्या क्या, ये एप्लीकेशन फॉर्म है और क्या क्या आएगा यहाँ पर सिलेबस भी दिखा देता हूँ। सिलेबस में आप बता दूँ मैं आपको, दोनों में आपका जो सिलेबस रहेगा वो दोस्तों 150 नंबर का रहेगा। 150 नंबर में 2 घंटे में करना रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस पर लिखा हुआ है। 10th क्लास का स्टैंडर्ड का रहने वाला है पेपर, देयर विल भी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग की 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन मिलेंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश भी आने वाली है इसमें, 25-25 की मैथ्स रीजनिंग आने वाली है, 50 का GK आएगा, 50 की इंग्लिश आएगी। और यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 10th लेवल का पेपर होने वाला है। पेपर बिल्कुल सरल और इजी होगा, इस पास से आप बेफिक्र रहिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, ये पूरा का पूरा आपको ये यहाँ से पहला पन्ना ये आएगा, पहले से फर्स्ट से लेकर 10th जो तक के जो जिस पॉइंट लिखे हुए हैं ये पहले नंबर पे पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर के पेज पे आपको डिक्लेरेशन ले लेना है, दूसरे नंबर के पेज पे सेकंड पेज पे ये डिक्लेरेशन, ये जो आपको प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, कोई से टाइप कराना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा है ना, ये उस फॉर्मेट में नहीं है, इकट्ठा एक छोटे उसमें कर दिया। तो ये जो लिखी लिखी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं, ये आपको पूरी पूरी पूरा आप पोज लगा लीजिए एक एक करके आप यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा पहला से लेकर, ये पहले से लेकर 10वें तक का पॉइंट आपको पहले उस पर लेना है, घोषणा पत्र को दूसरे में लेकर के, और इस तरीके से यहाँ से घोषणा पत्र को दूसरा लेकर के आपको फिर फॉर्म में चीज़ें भरना है, जो फॉर्म भर करके यहाँ फोटो लगा करके, दो अटेस्टेड फोटो, दो अलग फ़ोटो लगाना है, एक से 16 पे लिखा है तो पहले फापा है वो अलग रखना है उसके अंदर, ठीक है उसमें। और एक हाँ, जो इंडियन पोस्ट ऑर्डर 100 रुपये का वो तो लिखना ही लिखना है उसमें, जहाँ पर इसमें लिखा है ना इंडियन पोस्ट ऑर्डर के बारे में कि कितने का आप दे रहे हैं वो विवरण देना है, तो वो विवरण आपको देना पड़ेगा कि कितने नंबर का आपने, कितने रुपये का आपने जो पोस्ट ऑर्डर लिया है वो विवरण यहाँ पर दे करके। और इसके बाद आपको 16 लिफाफा अंदर रख करके इस फॉर्म के साथ, सबसे बड़े फॉर्म में आपने को जो एड्रेस दिया उस एड्रेस को पहुंचाना है, साउथर्न कमांड प्रेसिडेंसिंग वाला ये लिखा है इस पे, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 26 जून है, ठीक है, 45 दिन एडवर्टाइजमेंट की डेट से, तो 26 जून तक पहुंचने का इसमें हो रहा है ना, 26 जून तो आप 25 जून के आसपास तक पहुंचा देंगे, अभी टाइम है आपके पास काफ़ी सारा, 20-25 दिन आप पहुंचा सकते हैं। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।